दोस्तों, आपके मन में हमेशा एक बात चलती है कि हमारे त्रिदेवों भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश में सर्वप्रथम कौन आया, त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। इसकी चर्चा अनादिकाल से हम सुनते आ रहे हैं और हमें यही बताया गया है कि तीनों देव एक समान हैं। अलग अलग पुराणों में इसका वर्णन भी अलग अलग ही मिलता है। आज बहुत सोच विचार के बाद इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे त्रिदेवों की रचना हुई और क्यों की गई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना देर करते हुए समझते हैं कैसे हमारे त्रिदेवों की रचना हुई। जिस समय संपूर्ण संसार नष्ट हो गया था और हर जगह केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य था, न चंद्रमा, न कोई ग्रह थे, न ही नक्षत्र, न तो दिन होता था, न ही रात, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु कुछ भी नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई भी तेज नहीं था। उस समय सत श्रुति ही शेष था, जो मन का विषय नहीं है, जिसे योगी जन अपने हृदय रूपी आकाश के अंदर देखते हैं। नाम रूप रंग से शून्य होता है यह सत, न तो यह छोटा होता है, न ही यह बड़ा होता है, जिसका विवरण करना हम सामान्य मनुष्य के बस में है ही नहीं। उस परम ब्रह्म ने कुछ काल के बाद दूसरे सत की इच्छा प्रकट की। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने ही लिए मूर्ति की कल्पना की, जो कि सर्वरूपा, सर्वव्यापनी, सर्वाद्दा, सबके लिए वंदनीय है। यही परम ब्रह्म भगवान सदाशिव हैं। इसी निराकार मूर्ति को परब्रह्म भगवान सदाशिव कहा गया है। पुराने विद्वान भी इन्हें ही ईश्वर कहते हैं। इसके पश्चात अपने विग्रह से स्वयं ही एक सर्वभूत शक्ति की रचना की, जो कि उनके श्री अंग से कभी अलग नहीं होती। इसी शक्ति को अंबिका कहा गया, जिनकी 8 भुजाएं हैं। परब्रह्म ने शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे काशी कहते हैं। काशी को मोक्ष का स्थान बताया गया है। शक्ति एवं शिव दोनों इस क्षेत्र में ही निवास करते हैं। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी इस क्षेत्र को कभी मुक्त नहीं किया गया, इसलिए इसे अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा गया था। आनंद का अनुभव देने वाला यह क्षेत्र भगवान शिव के द्वारा आनंद वन का नाम दिया गया। एक समय की बात है, इस आनंद वन में घूमते हुए शक्ति एवं शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की रचना की जाए, जिससे वह सृष्टि संचालन का भार संभाले और हम दोनों काशी में ही निवास करें। ऐसी इच्छा होने पर शक्ति सहित परब्रह्म परमेश्वर ने अपने बाएं भाग के 10वें अंग पर अमृत मला, जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ जो कि अत्यधिक सुंदर और शांत था। उस पुरुष के अंग अंग से एक अलग शोभा झलक रही थी। वह कभी किसी से पराजित नहीं हो सकता था। उस पुरुष के द्वारा उसका खुद का परिचय पूछे जाने पर भगवान सदाशिव ने मेघ जैसे गर्जना भरे धीरे स्वर में कहा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। भक्तों को सुख देने वाले और भी अनेकों नाम होंगे। अभी तुम तपस्या करो। भगवान सदाशिव ने विष्णु को वेदों का ज्ञान देते हुए उन्हें तपस्या करने के लिए कहा। इसके बाद भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। श्री विष्णु ने भगवान सदाशिव को प्रणाम करके तपस्या चालू की। अनेकों काल तक कठोर तपस्या करने के कारण श्री विष्णु के अंगों से अनेकों प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी, जो कि सदाशिव की माया से ही संभव है। उन जलधाराओं से हर जगह जल ही जल हो गया। दीर्घ काल तक श्री विष्णु उसी जल में थके होने के कारण शयन करने लगे। आपको बता दें, जल को ही नार कहा जाता है, अर्थात जल में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु नारायण कहलाए। उस समय श्री विष्णु के अलावा कोई दूसरी प्राकृतिक वस्तु इस संसार में नहीं थी। श्री विष्णु से ही 24 तत्वों की उत्पत्ति हुई। पुरुष को छोड़कर सारे तत्व प्रकृति से हुए। इन तत्वों को ग्रहण करने के पश्चात श्री विष्णु जल में शयन करने लगे।
और उसी समय उनकी नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जिसमें असंख्य नाल दंड थे। ब्रह्मा जी के बताए अनुसार भगवान सदाशिव ने स्वयं अपने दाहिने अंग से उन्हें उत्पन्न किया और अपनी माया शक्ति के जरिए श्री विष्णु के नाभि से प्रकट किया। इसी प्रकार भगवान रुद्र का जन्म ब्रह्मा जी की भ्रुक्ति से हुआ। दोस्तों, इसके बाद की कहानी आपने कई जगह पढ़ी और देखी होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई संदेह हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अंत में भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान देते हुए कहा कि सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नामक धारण करके तीन स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। ब्रह्मा के शरीर से रुद्र नाम धारण करके मैं उत्पन्न होऊंगा। जो मैं हूँ वही रुद्र है। तीनों एक ही रूप हैं। किसी भी प्रकार का किसी में कोई भी भेद नहीं है। मेरा शिव रूप ही सनातन है। जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी देवी है, इन्हीं की शक्तिभूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी और फिर इन प्रकृति देवी से जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वही लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। इसके पश्चात काली नाम की शक्ति रुद्रदेव को प्राप्त होगी। विष्णु के हृदय में मैं हूँ और मेरे हृदय में विष्णु। हम तीनों देव एक समान हैं। हम में से किसी की अवहेलना करना पाप का भागी बनना होगा। ब्रह्मा जी के द्वारा रची सृष्टि की रक्षा करना विष्णु भगवान का कर्तव्य है। इसलिए मेरी आज्ञा का पालन आप दोनों करिए। यह कहकर भगवान सदाशिव अंतर्धान हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।